नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। 34 साल बाद लागू होगा नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून, सरकार ने बताया क्या मिलेंगे अधिकार। जी हां, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्विटर के जरिए बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि यह नया कानून 34 साल पुराने सन 1986 के कानून का स्थान लेगा। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अपने कई नए प्रावधानों व नियमों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। देश भर की उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए भी इस अधिनियम का गठन किया गया है। नए कानून के रूप में उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके और साधन दोनों का प्रावधान होगा। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पादों के लिए तय जिम्मेदारी और मिलावटी या फिर खतरनाक उत्पाद बनाने और बेचने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है। छोटी और मंझोली कंपनियों को मिल सकता है 90,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। कर्मचारियों की संख्या के आधार पर मिलेगी मदद। जी हां, इस बढ़ती बीमारी के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से परेशान छोटी कंपनियों को राहत देने और देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज देने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पैकेज खास तौर पर MSMEs के लिए हो सकता है। वित्त मंत्रालय MSME और टेक्सटाइल मंत्रालय के साथ कई दौर की बैठकें कर चुका है। साथ ही सरकार कर्मचारी वेतन का बोझ घटाने के लिए भी आर्थिक मदद कर सकती है। आपको बता दें कि इस बीमारी के कारण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मई में 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के तहत MSME को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का प्रावधान किया गया था। सूत्रों के मुताबिक MSME के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर विचार हो रहा है। वित्त मंत्रालय MSME टेक्सटाइल मंत्रालय में इस पर चर्चा हो रही है। इस राहत पैकेज में कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर मदद दी जा सकती है। IIT में दाखिले के लिए 12वीं में 75% अंक पाने की शर्त हटी। जी हाँ, इस साल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने दाखिले के नियमों में छूट देने का फैसला किया है। तमाम बोर्डों की ओर से 12वीं कक्षा की परीक्षा को आंशिक रूप से रद्द करने के मद्देनज़र ऐसा किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बारे में जानकारी दी। IIT में दाखिले के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE एडवांस के पास होने के अलावा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 75% अंक या पात्रता परीक्षा में टॉप 20% में स्थान बनाने की शर्त होती है। JEE मेंस देश के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित किया जाता है। इसे JEE एडवांस के पात्रता परीक्षा के तौर पर लिया जाता है। निशंक ने ट्वीट किया कि बोर्डों की ओर से 12वीं कक्षा की परीक्षा को आंशिक रूप से रद्द करने के मद्देनज़र ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने इस बार JEE एडवांस 2020 के पास छात्रों के लिए दाखिला मानदंडों में छूट देने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र उम्मीदवार जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की है वे दाखिला लेने के लिए पात्र होंगे और उन्हें मिले अंकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्जी और भ्रामक विज्ञापन दिखाने पर होगी 7 साल की जेल, देना होगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 ला रही है। ये नया कानून 20 जुलाई से लागू होने वाला है। नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून की जगह लेगा। गोरा बनाने, व्हाइट बनाने या फिर मोटापे से छुटकारा जैसे फर्जी विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि इसमें कितना जुर्माना लगेगा। शरीर को आकर्षक बनाने के झूठे वादे वाले विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 6 महीने कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को कंपनी के प्रोडक्ट से कोई नुकसान पहुंचता है तो कंपनी पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल कारावास का प्रावधान किया जाता है। वहीं अगर उपभोक्ता की जान चली जाती है तो कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल कारावास का प्रावधान किया जा रहा है।
राम मंदिर का बदलेगा नक्शा, शिलान्यास के लिए पीएमओ भेजी गई 3 और 5 अगस्त की तारीख। जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक में शिलान्यास की तारीख पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को ट्रस्ट की तरफ से 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। शिलान्यास की तारीख पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। इसके अलावा बैठक में मंदिर की ऊंचाई और निर्माण की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। मंदिर के नक्शे में बदलाव किया जाएगा। अब मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। मंदिर की ऊंचाई भी प्रस्तावित नक्शे से अब ज्यादा होगी। बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल रहे। चीन को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा कायरता की बड़ी कीमत चुकानी होगी। जी हां, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है और भारत सरकार चेंबरलेन की तरह व्यवहार कर रही है। इससे चीन और आगे बढ़ेगा। हमारे देश को मोदी सरकार की कायरता की वजह से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस ट्वीट के साथ ही राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि लद्दाख में सीमा गतिरोध का हल खोजने के लिए चीन के साथ हो रही बातचीत में प्रगति है, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इसमें किस हद तक कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ही सिंह ने पड़ोसी देश को सख्त संदेश दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की एक इंच भी जमीन नहीं ले सकती है। राजस्थान के संग्राम पर वसुंधरा ने तोड़ी चुप्पी, कहा बीजेपी पर दोष मढ़ रही है कांग्रेस। जी हां, राजस्थान में अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के बीच चले सियासी घमासान पर कांग्रेस ने पायलट को बाहर का रास्ता दिखाकर एक तरह से पटाक्षेप कर दिया है। अब गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस वायरल हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कथित ऑडियो टेप को आधार बनाकर पूरे मुसीबत के लिए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस ने भाजपा पर गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। अब भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ते हुए मोर्चा संभाला है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस भाजपा और भाजपा नेतृत्व पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा के लिए संपर्क और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कभी तो जनता के बारे में भी सोचिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। राजस्थान के सियासी संग्राम में मायावती भी कूदी, बोली राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला और कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मायावती मजबूर हैं और अपनी मजबूरियों के चलते वह बार बार कांग्रेस विरोधी टिप्पणियां करती हैं। मायावती ने कुछ महीने पहले अपनी पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का उल्लेख करते हुए गहलोत पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले बसपा के विधायकों को दगाबाजी करके कांग्रेस में शामिल करा लिया और अब फोन टैपिंग कराकर असंवैधानिक काम किया है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, रायलसीमा, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, गुजरात के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बाकी भागों, झारखंड और उत्तरी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। आज का मैड कुछ क्वेश्चन आ चुका है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए।
और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।